हेलो मित्रों, जय माता दे। मित्रों, आज 4 मार्च बुधवार का दिन है। ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, आपको बताएंगे। आपके व्यापार, करियर, उनसे जुड़े बहुत सारे ऐसे पहलुओं के बारे में जो कि आपके आने वाले दिनों को बेहतर बनाने में काफ़ी लाभकारी सिद्ध होंगे। मित्रों, आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष के उदय तिथि और नवमी का दिन है। ऐसे में आज के दिन कौन से क्षेत्र में कार्य करें जिनसे कि आपको ज़्यादा सफलता, आपके मान सम्मान, संस्कृति में वृद्धि हो सके, आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सको, इसके लिए क्या करें क्या ना करें, क्या कहते हैं आपके सितारे, आपका लकी कलर, आपका लकी नंबर कौन सा रहने वाला है, आपको बताएंगे। आपके ग्रह गोचर आज आपके जीवन में कौन कौन से सकारात्मक परिवर्तन करने वाले हैं, आपको बताएंगे। सारी जानकारी विस्तार से वीडियो को आखिर तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों, कुंभ राशि वाले जातकों को बताना चाहूँगा कि आज के दिन आप कोई अपना जरूरी काम जल्दीबाजी में पूरा करने की कोशिश करेंगे। आज के दिन निवेश के मामलों में आप सावधानी बरतें। आज के दिन आपको निवेश से संबंधित कुछ लोगों से जानकारी जरूर इकट्ठी करनी चाहिए। आज ऑफिस में आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिलेगा जिसको पूरा करने में आप काफ़ी सफल रहेंगे। आपके भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होंगे और बिजनेस के सिलसिले में आपको यात्राएं करनी पड़ेंगे। आज के दिन धन लाभ के बेहतरीन अवसर आपको प्राप्त होंगे तथा इस राशि के विद्यार्थी अगर आज ग्रुप स्टडी करेंगे तो उनको उनके समस्याओं का सॉल्व करने के पूरी पूरी संभावनाएं बन रही हैं। कुंभ राशि वाले जातकों को आज आपका मन सामाजिक कार्यों की तरफ रहेंगे और छात्रों को बेहतर परिणाम हासिल होंगे। साथ ही जो विद्यार्थी विदेश में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए आज का दिन काफ़ी फेवरेबल रहेगा। आज आपकी पुरानी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आप पूरे दिन खुद को एनर्जी से, ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेंगे। आपको किसी धार्मिक आयोजन में जाने का अवसर मिलेंगे। आज के दिन पैसों की स्थितियों पर आप गंभीरता से विचार करेंगे और आज के दिन आप बेफजूल की बातों में अपना समय जाया ना करें और बेफालतू की चीज़ों में अपने पैसे का खर्च ना करें। जितना हो सके पैसों को सही जगह बचत करने की कोशिश करें। आज आप परिवार के साथ कहीं लंच करने का प्रोग्राम बनाओगे लेकिन किसी ज़रूरी काम की वजह से आपको प्लान टालने की ज़रूरत हो सकती है। अगर आप नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो उसके लिए आज का दिन काफ़ी शुभ रहेंगे। आपको किसी कार्यों में ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ेंगे और किसी अजनबी व्यक्ति की वजह से आपका मूड भी थोड़ा ख़राब हो सकते हैं। ऐसे में आज के दिन अजनबियों से मिलना आप हो सके तो बंद कर दें। आज के दिन पार्टनर के साथ बेहतर तालमेल बनाने में आप काफ़ी सफल रहेंगे। बेरोजगारों को रोजगार की प्राप्ति होंगे परंतु आज के दिन आपको पहले की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेंगी। पैसों के मामलों में जीवन साथी से आपको मदद मिलेंगे। आज आपके आर्थिक स्थितियाँ काफ़ी मजबूत रहने वाली हैं। आपका स्वास्थ्य भी पहले से काफ़ी बेहतर बना रहेगा। मित्रों, कुंभ राशि वाले जातकों को बताना चाहूँगा कि आज के दिन आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं काफ़ी सक्षम रहेंगे और आपके रुके हुए काम किसी सहयोगी की मदद से पूरे हो सकेंगे। कुंभ राशि के छात्रों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेंगे। आज के दिन अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं तो उसमें आपको बेहतर परिणामों की प्राप्ति होंगे। आज आपको कठिन परिश्रम का बेहतर परिणाम मिलेंगे। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहेंगे परंतु बात करें आपके काम के तो आपको कामों का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रह सकता है और आपके कोई ज़रूरी काम समय पर ना निपटाने के कारण आप थोड़े परेशान भी रह सकते हैं। ऐसे में आपको विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत रहेंगे। आपको अपने दूसरों के सामने अपने सोच को सही दिशा में लगाने की ज़रूरत रहेंगे और दूसरों के सामने बोलने से पहले एक बार ज़रूर सोच समझ कर और तोल मोल कर बोलें। आज किस्मत का साथ मिलने से आपकी परेशानियां कम हो सकेंगे लेकिन माता पिता का सहयोग आपको प्राप्त होगा और व्यापार में, रोजगार में, कार्यक्षेत्र में आप तरक्की कर सकोगे। अगर आप नौकरी पेशा वाले हैं तो बॉस आपसे प्रसन्न होकर आपके सैलरी बढ़ोतरी या फिर आपके पदोन्नति को लेकर
कोई सुनवरा गिफ्ट भी आपको कर सकते हैं। मित्रों, कुंभ राशि के महिलाओं के लिए आज का दिन काफ़ी लाभकारी रहेंगे। आज के दिन आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं, आपके द्वारा किए गए कार्य लोगों के बीच काफ़ी उदाहरण के पात्र बनेंगे। आज आप खुद को कार्यों के पूरा करने में सफल रहेंगे और किसी खास व्यक्ति से आपको सहयोग भी मिलेंगे। कुंभ राशि के जो लोग मजदूर वर्ग के कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को आज काफ़ी अच्छे और सुनहरे अवसर मिलेंगे। आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकोगे, आपके काम में पूरे तरीके से व्यतीत होंगे, आपके दाम्पत्य संबंधों में सुहाद्र बना रहेगा और आपका स्वास्थ्य भी काफ़ी बेहतर बना रहेगा। मित्रों, कुंभ राशि वाले जातकों को बताना चाहूँगा कि आपको करियर से संबंधित नए अवसर प्राप्त होंगे और पैसों के सिलसिले में आपको थोड़ा सोच समझ कर फैसला लेना ही बेहतर रहेंगे। आज के दिन ऑफिस में आपको पदोन्नति प्राप्त होंगे, अपने कार्यों की योजनाओं में आप बदलाव कर सकोगे और रुके हुए धन की प्राप्ति कर सकोगे। आज आपका ध्यान अध्यात्म की ओर अधिक रहने वाला है और कोई रिश्तेदार आपके घर पर आ सकते हैं। इस राशि के विद्यार्थियों को अपने करियर से रिलेटेड अच्छे मौके मिल सकेंगे और नए लक्ष्यों को निर्धारण करने के लिए आज का दिन काफी शुभ रहेंगे। मित्रों, अगर आपकी भी राशि कुंभ है और अभी तक आप अपने लक्ष्यों का निर्धारण नहीं किए हैं तो आज के दिन इसे विषय में आप जरूर एक बार सोच विचार अवश्य करें। आज ऑफिस में जूनियर के मुद्दे पर आप काफी सक्षम रहेंगे, वाहन लेने के योग बन रहे हैं। आज के दिन पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना चाहिए। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो रहे हैं। मित्रों, कुंभ राशि वाले जातकों को बताना चाहूंगा कि आज किसी काम को लेकर आप जल्दबाजी न करें। आज अपने कार्य को सही समय पर करने का प्रयास तो करें परंतु जल्दबाजी में ना करें। जल्दबाजी में किए गए कार्य से आपको हानि या फिर घाटे के सौदे उठाने पड़ सकेंगे। माता पिता के साथ आप किसी धार्मिक स्थल पर दर्शन के लिए जा सकोगे। व्यापार में आपको उम्मीद से ज्यादा मिल सकेंगे और किसी पर अपना काम थोपने की कोशिश से आपको बचने चाहिए। आप अपने कार्य को अपने से पूरा करने का प्रयास करें। आज आपका पैसा कहीं अटक सकता है, साथ ही बढ़ता खर्च आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते बेहतरीन रहेंगे और कुंभ राशि के जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें बेहतर अवसर की प्राप्ति होंगे। आज पारिवारिक रिश्ते अच्छे रहेंगे, आज आप परिवार वालों के साथ सुखद समय का व्यतीत कर सकोगे। सामाजिक स्तर पर आपका रुतबा बढ़ेगा और जीवन साथी से कोई खुशखबरी मिल सकती है। आज के दिन आपको संतान सुख की प्राप्ति होंगे। अगर आप लंबे समय से संतान सुख से वंचित हैं तो आज के दिन इस दिशा में आपको कोई बेहतर खुशखबरी मिलेंगी। आज किसी दोस्त से आपको आर्थिक मदद लेनी पड़ेगी। महिलाओं को आज शॉपिंग पर जाने का मौका मिलेगा, विदेश यात्राओं का मौका मिलेगा। आज आपका बिजनेस काफी बेहतर चलने वाले हैं, पारिवारिक रिश्ते में मिठास आ सकेंगे। कुंभ राशि वाले जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप अपने काम के प्रति सहज रहेंगे और कई दिनों से रुका हुआ काम को पूरा करने के आप आज राहत महसूस करेंगे। जरूरतमंद की मदद के लिए आप हर संभव कोशिश करोगे। आपका पॉजिटिव व्यवहार लोगों को प्रभावित करेगा। आज आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। आज धन लाभ के बेहतर योग बन रहे हैं और लंबे किसी रेस्टोरेंट में जाकर लंच करने का प्रोग्राम करेंगे। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उन लोगों के लिए आज का दिन काफ़ी शुभ रहेंगे। आज शिक्षा प्रतियोगिता से जुड़े कोई अच्छी खबर की प्राप्ति हो सकती है और विवाहितों को संतान सुख की प्राप्ति होंगे। व्यापार कारोबार में लाभ के अवसरों को प्राप्त कर सकोगे। मित्रों, कुंभ राशि वाले जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप अपने डेली रूटीन में कुछ बदलाव करने की सोच सकोगे। दोस्तों के साथ आपके बेहतर रिश्ते बनेंगे तथा इस राशि के विद्यार्थियों को करियर में सफलता मिल सकेंगे। आप कोई जरूरी प्लानिंग भी कर सकते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन काफी सुखद बना रहेगा और किसी नए काम के लिए आप सोच विचार करोगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन काफी बढ़िया है। आज उन्हें मनपसंद की कंपनी से इंटरव्यू के लिए बुलाया भी जा सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकेंगे। आज के दिन काफी अच्छे संयोग बनने के कारण आपकी आर्थिक स्थितियां मजबूत रहेंगी। आपसी विश्वास के सहारे आपके रिश्ते भी मजबूत रहेंगे। मेहनत के परिणाम आपको जल्दी ही मिल सकेंगे। आज का दिन मील का पत्थर साबित होगा। यात्रा करते समय आप अपने सामान का
विशेष रूप से ध्यान रखने के कुछ जरूरी रहेंगे। आज के दिन आपको लोगों के विचारों को सुनने के लिए काफ़ी उत्सुक रहेंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आज आपका उधार भाव लोगों के काफ़ी प्रभावित करेंगे। आर्थिक स्थितियों में उतार चढ़ाव भी बना रहेगा। आज आप किसी पुराने दोस्त से मिलने उसके घर पर जा सकोगे। आज का दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी।